Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. We start another episode of this essay discussion forum with the one of my favorite topics today. Man forgot to plan for environment while planning for the future. The environment, the climate, the water, everything that is bothering humanity so much these days. Mankind is suffering from the biggest catastrophe of probably its existence since the Big Bang, since the Ice Age. This is probably the biggest thing that man knows, does not know how to really handle. So, and man being himself, being the perpetuator or the cause of this whole catastrophe. And please be careful when I say man, it includes women also, right? It's mankind that is in question right now. So starting with the first presenter, I have already given you a lot of introduction how this essay discussion forum works. Starting with the first presenter, it's going to be Shahsawar Zafar with his wonderful outline. So next I will hand over to Shahsawar Zafar. So it's over to Shahsawar Zafar now. Yes, sir. Assalamu alaikum, dear group members. So today our topic of presentation is Man Forgot to Plan for Environment While Planning for the Future. इसमें हम उन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि जो हमने अपना प्लानिंग फ्यूचर प्लान करते हुए एनवायरनमेंट एस्पेक्ट थे जिनको हमने इग्नोर कर दिया और आज हमें उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है. तो इसमें हमारी आउटलाइन का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से होगा कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक जस्ट एक बर्ड आई व्यू दिया गया कि आजकल क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से हम इस पूरी टॉपिक पे बात करने लगे हैं. उसके बाद उन एस्पेक्ट का, उन फैक्टर्स का हम जायज़ा लेंगे जो बैक इन द लास्ट 2 और 3 सेंचुरीज जो हमने किए हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हमारा एक एनवायरमेंटल फियास्को क्रिएट हुआ है. उसके बाद हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे वे फॉरवर्ड का, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि जो आज हम लेके प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपना टॉपिक कंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट के पार्ट से शुरू करते हैं और उसको हम अपने अल्फाज में थोड़ा सा देखते हैं कि जितने भी आबादी ज़्यादा होने के साथ मसाइल हुए हैं उनमें बेशुमार मसाइल हैं, उनमें जो मोस्ट ग्रेवेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, वो एनवायरनमेंट का है अनडाउटेडली. और इसके लिए जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली ब्लेम की जा सकती हैं, और हमें इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है ताकि हमारी आने वाली कमिंग जनरेशन भी ऐसा ही माहौल इंजॉय करें जैसा हमने किया है, तो उसके लिए although it is getting late but it is better late than never. तो अब हम अगर करंट सिनेरियो देखें कि आज की दुनिया क्या वो माहौल पेश कर रही है जिसकी वजह से हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है, तो हम देखते हैं कि जो मैस डेवलपमेंट हमारी शुरू हुई, ग्लोबल मैस डेवलपमेंट, वो तकरीबन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हो चुकी थी 17th century में. लेकिन हमें इस बात को रियलाइज़ करते करते 1972 आ गया कि एनवायरनमेंट भी कोई ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है और जिसके चेंज होने से हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है. तो 1972 वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल जिसपे हमने एनवायरनमेंट पे बात किया. फिर मजीद 15 ईयर्स हमें लगे ये समझते हुए कि डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड हमें सस्टेनेबल लगाना है, जिसके बगैर डेवलपमेंट हमारी हमारे काम तो शायद आज बाद में आने वाली जनरेशन के काम ना है. तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया. और अब सिचुएशन तो इस तरह से है कि हमारे जो आइस रीजन है वो श्रिंक हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हैं, हर चीज़ अपनी वर्स्ट की तरफ जा रही है. तो अब वो पॉइंट है कि विदाउट एनी डिले हमें इस पे काम शुरू कर देना है. तो अब हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो कि जिनकी वजह से यहाँ तक ये सिचुएशन पैदा हुई है कि हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट उस टाइम पे कौन सी प्लानिंग थी जिसमें हमने नहीं इंकॉर्पोरेट किया, तो क्या एनवायरमेंटल हैज़र्ड आज हमारे सामने है. तो सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि जिससे मैस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर की बुनियाद रखी गई. आल दो इंसान ने तरक्की बहुत की उससे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और वो ट्रांसफॉर्म होती है एक मेजर स्केल में, तो उससे डिमांड बढ़ती है. डिमांड फिर वी नो एशिया और अफ्रीका से पैदा की गई, बोथ इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल. तो जब तरक्की करते हैं तो मजीद तरक्की की एक क्वेस्ट जो है वो पैदा होती है. फिर पॉपुलेशन बूम आता है वहाँ से, क्योंकि जब तरक्की होती है, लाइफ आसान होती है, लग्जरी मिलती है, तो पॉपुलेशन फिर बूम आता है. और उसके बाद की जो दुनिया है उसमें एनवायरमेंट और डिवेलप
डेवलपमेंट वो एक टेंडम में नहीं रही, टेंडम से मुराद के एक बैलेंस में नहीं रही, डेवलपमेंट आगे चली गई, इन्वायरमेंट लैग करने लग गया। उसके बाद हम आते हैं कि फॉसिल फ्यूल की जो कंजम्पशन है आज की दुनिया में, आज तक बल्कि उस टाइम से जो शुरू हुई, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, वी नो हमने पावर कहाँ से किया उस टाइम पे, इलेक्ट्रिकल मशीनरी तो थी नहीं, मैकेनिकल थी, और मैकेनिकल कोल ऑयल और इन चीज़ों से पावर किया जाता था। तो हमने देखा कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेजर करना शुरू करें तो हमें पता लगता है कि ये उस टाइम से लेके आज तक अबाउट 50% इंक्रीज हो चुकी हुई है। और फॉसिल फ्यूल की अगर हम रिलायंस की बात करें तो दुनिया की 84% और अमेरिका की 81% रिलायंस आज भी फॉसिल फ्यूल से जो पावर होते हैं, पावर प्लांट, उन पे है। फॉसिल फ्यूल में तीन मेन आते हैं, ऑयल, कोल एंड गैस। तो और जो ट्रांसपोर्ट हमारी है वो चंद एक डेवलप कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, वरना वो भी सिर्फ गाड़ियों में है, वरना जो हमारे शिप्स हैं, बड़े कार्गो शिप्स या एरोप्लेन है, या मेजर ट्रांसपोर्ट, अभी भी हमारी कमोबेश इसी के ऊपर है, ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर। उसके बाद एक चीज जिसने बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट किया है, और अभी इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, एक इम्पेंडिंग डेंजर हर टाइम रहता है, इम्पेरिल है उसका कि वो मजीद खराबी कर सकता है, वो एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखें शुरू से लेके एंड तक उसमें खतरात रहते हैं। सबसे पहले जब आपने उसको सेंट्रीफ्यूग से गुजारना है तो वहां पे खतरा है, बल्कि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। हम देखते हैं कि दो मेन कौन से डायमेंशन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, एक हैजीमनी है, हैजीमनी में हमने मैनिफेस्टेशन देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 1945 अगस्त में बॉम्बिंग हुई, आज तक उसका जो इफेक्ट है वो लोगों पे नजर आता है, साइकोलॉजिकली तो है, मेडिकली भी है। फिर पावर जनरेशन के लिए हम न्यूक्लियर यूज करते हैं, उसमें भी दो दफा हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है, एक चेरनोबाइल वाला 1986 में हुआ है, उसके बाद जापान में जब ये सुनामी आया तो फुकुशिमा नामी एक पावर प्लांट है 2011 में वहां पे हुआ। फिर इसमें वेस्ट डिस्पोजल का इशू होता है, करंटली तो हम इसको लेड के कंटेनर में डाल के डंप कर देते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कैपेसिटी हमारे पास कम पड़ जाएगी, तो हमें उसके लिए आज से प्लान करना है। उसके बाद जो हमने एक मैसिव स्केल पे हमने सिटीज को बनाना शुरू किया है, प्लानिंग द अनप्लैंड, तो वो क्या हुआ है बेसिकली, वो हमने इंक्रोचमेंट किया है एरेबल लैंड पे। हम पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देखें, एक पर्टिकुलर सिनेरियो कर देते हैं, तो हमारा करंटली जो टोटल एरिया है उसका 27.6% ये ट्रांसफॉर्म करके 75 मिलियन एकड़ बनता है, ये हमारा एरेबल है। लेकिन करंट हमने ट्रेंड देखा है पंजाब में, खास तौर पे सिंध के अर्बन एरियाज में और इस्लामाबाद में, कि हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। चंद साल पहले एक प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटी थी जिन्होंने मुल्तान के जो मैंगो फार्म है उन पे वो अपना सोसाइटी का प्लान बनाया था, ऑल दो वो कंसेंट से हुआ था फार्मर के, जो जमींदार थे उनके और जो डेवलपर थे, लेकिन ऐसी चीजों पे मौजूद दुनिया में बैन लगाया जाता है, हमें उनका वो रूल फॉलो करना है, वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके अलावा पिछले 40 साल में अगर हम 2018 में खड़े होकर बात करें तो लास्ट 40 ईयर अबाउट 0.3 मिलियन एकड़ जो लाहौर डिवीजन का लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, और वो बहुत बेहतरीन किस्म का है क्योंकि वो रिवर रावी वहाँ से पास हो रहा है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन वो अबाउट 250 हाउसिंग स्कीम में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और फिलहाल तक पंजाब में कोई लेजिस्लेशन नहीं आई जो इस काम को रोके, एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफॉर्म होने में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट में। उसके बाद फिर हमें पता है कि ये जो थ्रेट होता है अनप्लैंड सिटीज बनाने का और शहर को बहुत बड़ा फैला देने का, वो सिर्फ एरेबल लैंड की श्रिंकिंग नहीं होती, उसमें और भी इनको डिमांड एंड सप्लाई का इशू आता है, जैसे कि एक हमारा ड्रॉपिंग वाटर टेबल है, 1970 से लेकर 2020 तक यानी इन 50 सालों में पॉपुलेशन हमारी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम इंक्रीज हुई है, जबकि जो वाटर यूज है वो 0.7 टाइम इंक्रीज हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पर कैपिटा वाटर हमारा कितना ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन टेंडम विद ईच अदर, एक बहुत डिस्प्रोपोर्शन यहाँ पे देखने में आता है। उसके अलावा हम उन 17 में से 14th नंबर पे आते हैं उन कंट्रीज में जिनको एक्सट्रीमली हाई वाटर रिस्क कंट्रीज हैं, और परेशानी की बात यह नहीं है, परेशानी की बात ये हमें बताती है कि बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें 17 में से एक हम हैं, बाकी जो 16 कंट्रीज है वो यूजली वो कंट्रीज हैं जहाँ पे जो कम्प्लीटली डेजर्ट है या ड्राई क्लाइमेट में फॉल करते हैं, जबकि हमारा एक बहुत छोटा सा एरिया डेजर्ट है, अगर हम निकालें तो 10-15% हमारा है, बाकी तो हमारे पास बेशुमार दरिया है, उसके बावजूद हम इस लिस्ट में अगर आते हैं तो इट इज वेरी अलार्मिंग।
और ये किस वजह से हुआ एक्सेसिव अर्बनाइजेशन है, वो हम आगे की एग्जांपल में भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी अर्बनाइजेशन में ऐसे इफेक्ट थे। उसके बाद डेवलपिंग नेशन में एक और भी ट्रेंड है कि वो हाई राइज बिल्डिंग बनाने के बजाय, जो कि बहुत एफिशिएंट होती है, इकोनॉमिकल पड़ती है, उसके बजाय हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है। आज भी हम अपने जो लेट्स सपोज हम किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, तो बजाय वो हाई राइज जाने के वो बहुत वैसी पैमाने पे फैली हुई होती है, नॉट मोर देन 1 or 2 फ्लोर। तो ये अप्रोच हमें चेंज करना होगी, और ये जो हम अभी तक करते आ रहे हैं फिलहाल, उससे हमें क्या हुआ कि जब आप इंक्रोचमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए, तो आपको कुछ जगह लेनी पड़ती है, आइदर वो एग्रीकल्चरल लैंड होता है जैसे पहले हमने देखा, या वो फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट के केस में फिर अगर ये इंक्रोचमेंट ना भी हो हमारे रहने के लिए, हमारी जरूरियात के लिए भी, हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमें पेपर की रिक्वायरमेंट है, वुड होती है, शहर फैलाना है, इंडस्ट्रीज है, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन रोड वगैरह को अगर हम कंसिडर कर लें, तो उसकी वजह से हमें फॉरेस्ट पे इंक्रोचमेंट करना पड़ता है। करना चाहिए नहीं, बहुत बेहतर ऑप्शन भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होते हैं हमें, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए होता है इंसान को। तो वहां से क्या होता है, कार्बन सिंक हमारा बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है, रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जिसकी वजह से बढ़ जाता है, फिर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, और पूरी डोमिनो इफेक्ट चलता है जिसको हम एंड पे ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, स्पीसीज माइग्रेट करने पे मजबूर होती हैं, जहाँ वो खत्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में आज भी बेशुमार ऐसी स्पीसीज हैं, जैसे इवन हमारा नेशनल आइडेंटिटी मार्कोर है, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वाइट लाइन है हमारे यहाँ, पोलर बियर है देवसाई में जो पाया जाता है, वो भी खत्म होने के करीब है। और खतरे की बात तब पैदा होती है जब हम इसको किसी एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन में डाल के देखते हैं, हमें रियलाइज होता है, और वो रियलाइजेशन ये होती है कि हर सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज का एरिया फॉरेस्ट से क्लियर हो रहा है, और मैं तकरीबन कमोबेश 10 मिनट आप लोग रहूंगा, इस दौरान 1000 दरख्त दुनिया जा चुके हैं। स्टैट्स जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड से शेयर किए गए हैं, तो डेफिनेटली दीज आर ऑथेंटिक। उसके बाद हम आते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करने पड़े, जो कि हमारे एरोसोल स्प्रेज में होते हैं, या जो फॉर्म मेकिंग के प्रोसेस में है, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमें इतना लेट हो गया कि 1985 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक आते आते हमें पता चला कि जो ओजोन की कंसेंट्रेशन है वो 70% अंटार्कटिक रीजन में और 3% ओवरऑल रिड्यूस हो चुकी है। तो उसके बाद हमें इसको बैन करना पड़ा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सी कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, और ये वो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो हम बहुत अरसे से शुरू करते आ रहे हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल वाला है। तो इस पे हमें अल्टरनेट निकालने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अभी फर्दर हम इसको अफोर्ड इसमें डिले डिले नहीं अफोर्ड कर सकते। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर जियोग्राफी होती है, वेटलैंड जैसे हम कहते हैं। वेटलैंड आमतौर पे हम अगर उर्दू में ट्रांसफॉर्म करें तो हम दलदल टाइप कह सकते हैं, जो नॉर्मली वहाँ पे होती है जन लॉन्ग काफ़ी अरसे के लिए पानी खड़ा रहे, खास तौर पे जो शोर लाइन होती है वहाँ पे, जहाँ पे दरिया और समंदर आपस में मिलते हैं। जैसे ठट्टा के एरिया में देखें, रिवर इंडस हमारा अरेबियन सी में फॉल हो रहा है, तो वहाँ पे वेटलैंड है। अब वेटलैंड का बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि ये आपको शोर लाइन को प्रोटेक्ट करती है, जो पानी के इरोजन होती है, क्योंकि समंदर का पानी स्लोली लैंड को इरोड भी करता है, ये उसको रोकती है, एक नेचुरल डिफेंस होता है। और ये किस वजह से खराब होती है कि जब दो वजूहत हैं, एक हमने पहले देखी कि जब डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं तो माइग्रेशन होती है, और माइग्रेशन सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के एरिया में नहीं होती, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, लाइक एयर पोल्यूशन, ये विदाउट एनी बॉर्डर ट्रेवल करता है ये कॉन्सेप्ट, ये जो स्पीसीज की माइग्रेशन का है। उसके बाद जो हम अनयूटिलाइज वाटर, पाकिस्तान आज भी दूसरे नंबर पे है जो मैक्सिमम वाटर अनयूटिलाइज करके समंदर में डालते हैं, और वो तकरीबन 36 मिलियन एकड़ फीट बनता है। एक साइड पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और एक साइड पे जो पानी मैक्सिमम वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं, तो वो भी आपकी शोर लाइन को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं हमारा अपना इदारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, उनके मुताबिक 2060 तक कराची, और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2050 तक, यानी कराची से भी 10 साल पहले, जकार्ता और मुंबई वो समंदर की नज़र हो चुके होंगे।
एक अगर अपने कंट्री की एग्जांपल हम देखें तो जो अगेन अ प्रोमिनेंट सोसाइटी उसके फेस 7 और 8 कराची के एरिया में, वो उस जगह पे बनाए गए हैं जहाँ पानी के गुजरने का रास्ता था और वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह था। आज भी हम देखते हैं जरा सी बारिश हो तो सबसे पहले वो इलाके पानी में डूब जाते हैं। वजह अगेन क्या है कि हमने जो नेचुरल रास्ता था पानी का, जो एक नेचुरल फिनोमिना होता था, हमने उसके दरमियान में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया है। तो नेचर अपना रिकॉर्ड हमेशा बना लेती है, इस दफा भी उसने बनाया है। उसके बाद हमारी जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि देखें वेस्ट तो तब से जनरेट हो रहा है जब से इंसान पैदा हुआ है, लेकिन कोई बाकायदा इसकी प्रैक्टिस इवन टुडे आज की दुनिया में भी नहीं है। और जो बाकायदा तरीके हैं वो फिर बहुत कॉस्टली हैं, डेवलप कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं बाकी नहीं कर पाते, जैसे कि इंसाइनरेशन होती है या कंपोस्टिंग की टेक्निक होती है, उसके बाद 3R होता है, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, वो भी नहीं यहाँ पे अक्सर कंट्रीज में इंप्लाय होता है। जन देखे हैं जो डेवलप जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो ओपन साइट डंपिंग से भी हमारी सॉइल खराब हो रही है। ठीक है कि कंपोस्ट वगैरह से काफी वो फर्टिलाइजर भी होता है, लेकिन कुछ अनयूज हम कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट भी सॉइल को बहुत होते हैं, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करके वेस्ट को हमें करना चाहिए, डंप करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है तब से हमारी एयर क्वालिटी डिक्लाइन होना शुरू हुई है, क्योंकि इन द ईयर आई थिंक 1780s लंदन में पहली दफ़ा टीबी की वबा फैली, कोलेरा की जो एपिडेमिक वहाँ पे फैला, और वो काइंड ऑफ ऐसा बीमारी थी जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब थी भी तो बहुत छोटे स्केल पे थी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये बीमारियाँ आज तक खत्म नहीं हो रही। बाद में रिसर्च की तो पता चला कि ये स्मॉग होता है, स्मॉग का फिनोमिना वहाँ से रिसर्च करने के बाद पता चला कि जब इंडस्ट्रियल हाइड्रोकार्बन जब बर्न होकर आते हैं तो ये फॉग के साथ मिलते हैं लंदन में, क्योंकि कोल्ड वेदर होता है, फॉग होती है, तो वो एक ऐसा एयर क्रिएट कर देते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मेंटल इफेक्ट है, और इकोनॉमिक इफेक्ट है, आपका बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो इट इज़ अ ग्रेट लाइन कि कैसे कैसे हम इंसान से इफेक्ट हो रहे हैं। और 2012 में WHO के मुताबिक अंडर द एज ऑफ 63.7 मिलियन पीपल यहाँ पे इससे डायरेक्टली जिनकी डेथ इससे रिलेट की जा सकती है। और ये अंडर 63.7 मिलियन है, अबव 60 और चिल्ड्रन तो वैसे भी बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो उनके तो बहुत ही ग्रिम पिक्चर ये प्रेजेंट करती है एयर क्वालिटी। उसके बाद एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ऑल दो आज तक तो उतना वो एग्जासरबेट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में होने का चांस है, और फिलहाल भी हमने इससे बहुत इफेक्ट होना शुरू कर दिया है, जो कि स्पेस पॉल्यूशन है। अब स्पेस पॉल्यूशन किस वजह से हुआ है, इसके 3 बड़े एलिमेंट है। सबसे पहले तो स्पेस रेस आती है, जो कि कोल्ड वॉर में अमेरिका और USSR के दरमियान इन पैरेलल चलती रही स्पेस रेस, जिसमें दोनों का मुकाबला था कि स्पेस को कौन पहले वो इनहिबिट करेगा या कमर्शलाइज करेगा या उस पर होल्ड करेगा। पर उसके साथ एसोसिएटेड है, जब स्पेस रेस हमारी अच्छी तरह स्टेब्लिश होगी, एक कंट्री की हेजिमनी बन गई, फिर स्पेस को कमर्शलाइज होना शुरू हुआ और आजकल स्पेस टूरिज्म शुरू हो रही है। तो अब यह पॉइंट हमें समझने वाला कि वो खराब कैसे करता है, जब हमारे सेटेलाइट वहां पे जाते हैं, मॉडर्न सेटेलाइट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनको यूजली जमीन पे वापस नहीं बुलाया जाता, वो जमीन के ऊपर ही सॉरी एटमोसफेयर में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट है जो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, उसके अंदर ही रहते हैं। और अगर हमें ये अंदाजा लगाना है कि तकरीबन कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, तो वी शुड नो कि तकरीबन हर साल 100 के करीब सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। 2017 में इनकी तादाद 90 थी, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा करंटली जो ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं वो 2200 से ज़्यादा हैं, और इससे भी ज़्यादा तादाद नॉन ऑपरेशनल की है। तो हमने ऑलरेडी अपना जो फ्यूचर होमलैंड है, जैसे हम कहते हैं स्पेस है, मून है या मार्स है, उसको हमने वहां जाने से पहले ही पॉल्यूट करना शुरू कर दिया है। तो इट इज अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन। उसके बाद हम सिर्फ चंद उन पॉइंट्स पे देखेंगे कि जिस तरह हम जो प्लानिंग और एनवायरनमेंट के रिलेशन है, इसे मजीद हम एग्जासरबेट होने से बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो ऑलरेडी हमने इतनी वर्किंग की हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, और बेशुमार ऐसे हैं जिनके सबके नाम यहाँ पे भी नहीं लेते, उनको कंप्लाइंस करना है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5-10 सालों में बहुत से कंट्रीज ने विदड्रॉ कर लिया अपनी जो रेक्टिफाई शिप होती है, लाइक अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ किया। तो इनसे हमें कंप्लाइंस करनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा इशू है जो कि शेयर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना माहौल, खास तौर पे एयर पॉल्यूशन को मैं रिड्यूस करूं और उसका इफेक्ट आप पे ना आए, या आप इंक्रीज करें और मेरे पे इफेक्ट ना आए, ये विदाउट एनी बॉर्डर ट्रांसफर होता है। उसके बाद
हमारा जो सबसे ज़्यादा माहौल की ख़राबी हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से है, तो उसके लिए विदाउट एनी डिले हमें शिफ्ट होना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे, जैसे कि हाइड्रो है, सोलर है, विंड है। इनमें वर्थ मेंशनिंग हाइड्रो और सोलर हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रो के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सोलर के लिए सन, विंड के लिए हवा की है, हाइड्रो के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पानी का लेवल होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं रिफॉरेस्टेशन पे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत कर दिया है, तो अभी रिफॉरेस्टेशन पे भी आना चाहिए। इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो केपी में हमारा शुरू हुआ था 1 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, उसके बाद जब उसी पार्टी की पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई तो 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से शुरू किया गया। उसके अलावा हमारे पास एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी एग्जिस्ट करता है बाई वर्च्यू ऑफ यूएन, जिसको हम REDD या REDD रेड प्लस कहते हैं, बाली एक्शन प्लान भी कहा जाता है। उसमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक पूरा रोड मैप दिया गया कि वो किस तरह और किस पॉइंट पे उन्होंने कंप्लाई करके ये रिफॉरेस्टेशन इनिशिएट करवानी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो पहले हमने उसमें बात की, जो इश्यूज है कि हम हॉरिजॉन्टल फैलते जा रहे हैं, उससे स्पेस कम हो रही है। डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल फैलने के लिए कुछ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसपे हम इंक्रोचमेंट करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर आता है या वो फॉरेस्ट आते हैं, तो ये हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए बेहतर सोल्यूशन है कि हम बजाय हॉरिजॉन्टल जाने के हम वर्टिकल मूव करें। और इसमें कॉन्सेप्शन है कि जो सऊदी अरब की सिटी है नियोम सिटी में, डी लाइन के नाम से एक सिटी विद इन अ सिटी इस्टेब्लिश हो रहा है, वो तो ऑल दो एक कॉन्सेप्शन है, लेकिन हम एटलीस्ट किसी हद तक उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और इस पे हम हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो मैं कंक्लूड, एक प्रोवर्ब है बहुत कॉमन, बहुत मुझे इफेक्ट किया इस प्रोवर्ब ने, वो ये कहती है कि हम जो ज़मीन है वो अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं करते, इनहेरिट से मुराद के हम उसको आउन करने लग जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हम अपने आने वाली कमिंग जनरेशन से एक कर्जे के तौर पे लेते हैं, उधार के तौर पे लेते हैं, तो हमें उसकी ऐसी केयर करनी चाहिए जैसे हम किसी से मांगी हुई चीज़ की करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। That's a great outline, Shatavar. Like always, you have impressed me once again today with your range and breadth of research. Environment, चूंकि मेरा अपना थैंक यू वेरी मच सर। रिसर्च का टॉपिक है, बहुत ज्यादा मैं स्टडी करता हूँ इसके ऊपर, सो यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स जो कि इसके अंदर आते हैं। आमतौर पर जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स और ये सारा कुछ, इन चीज़ों का तो अक्सर हम जिक्र करते हैं, डिफॉरेस्टेशन और वाटर का, लेकिन न्यूक्लियर की तरफ कम जरा लोगों का ध्यान जाता है। 3C जैसे कि अच्छी चीजें तुमने पॉइंट आउट की, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है जो हमें यहाँ पे लैंड पे नजर आ रही है, बल्कि वाटर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन जो है की जा रही है। हमें नहीं पता चलता, हम हर वक्त कहते रहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ये वो, लेकिन इसकी हमें ये नहीं पता आम लोगों को कि इसकी जो फ्यूल का, इसके जो वेस्टेज है वो, उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है राइट नाउ, वो इंतहाई आई वुड से बड़ा प्रिमिटिव किस्म का वो मेथड है, जिस जैसे तुमने बताया कि उसको समंदर में, लेकिन जाहिर है कि उस आप लेड कंटेनर में डाल के उसके बावजूद उसको मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ जो है वो नहीं बना सकते। सो एन अनप्लान्ड सिटीज, वेरी गुड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो जरा मुझे बताएं प्लीज, अलावा इस चीज के क्या ये ग्रुप में आउटलाइन मिल जाएगी। मुबीन अहमद पूछ रहे हैं, मुबीन अहमद बेटा ये आपको जब वीडियो मिलेगी यूट्यूब के ऊपर तो उसमें पूरी आउटलाइन इसी तरह मिल जाएगी आपको, हॉरिजॉन्टली फैलते जा रहे हैं एग्जैक्टली। और ये फिर वही बात आ जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की, के ज्यादा जो मसला है उसके अंदर स्पेस पोल्यूशन, यस हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का जो मसला है असली वो मैंने देखा है कि जो मसलन हमारी जैसी सोसाइटीज के अंदर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई कम लिटरेट या ज्यादा लिटरेट का कोई फर्क है, लेकिन जो भी हमें बहुत ज्यादा लैंड कॉन्शियस या लैंड ग्रीडी, मैं कहता हूँ इसको लैंड ग्रीडी पब्लिक नजर आती है कि जी जमीन होनी चाहिए मेरे पास, घर लेना है तो फ्लैट क्या हुआ, अपार्टमेंट क्या हुआ, बिल्कुल अपार्टमेंट जो है वो तो जनाब उसकी तो ना जमीन है ना सर ना आसमान है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। यस बट एटलीस्ट वी आर गुड, वी आर सेविंग द एनवायरमेंट। और जो जो जमीन की हवस जो है, ग्रीड जो है इंसान के अंदर वो बढ़ती जाती है कि जी मेरे पास जमीन होने, हर शख्स के पास अपना, अगर हर इंसान ने अपना जो है वो 10 मरले 5 मरले या 1 कनाल की जमीन ओन कर लेनी है तो काका खाओगे कहां से। ये वो चीज है जिसके लिए कोई भी बड़ा घर बनाने के लिए जी बिल्कुल हर जगह, यानी अगली जनरेशन को मैंने बड़े से बड़ा घर दे के जाना है
कच्चा है, उनके खाने के लिए कुछ ना रहे और उनके सांस लेने के लिए कुछ ना रहे। ये वो चीज है जो जो है वो अब वो हो गया है जो सबसे बड़ा शायद नुकसान हमारी कंट्रीज में, ये जो एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की वजह से हुआ है। और उसके बाद सिटीज के अंदर जो पहले से जो चीज मौजूद थी, एक पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं हो सका, जो काफी हद तक जो एनिमल ट्रांसपोर्ट यूज होती थी उसका जो मीथेन का जो लेवल था सिटीज के अंदर, और उसका जो फिर अल्टीमेटली जो पूरे उसके ऊपर, जैसे जैसे हमारी जरूरत लाइफ स्टॉक की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फूड की बढ़ती जा रही है, लाइफ स्टॉक की वजह से पोल्यूशन जो है वो किस, लेकिन जब हम सारा प्लान कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक है वो जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब प्लानिंग, ये तो हम सारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो सारी बातें हम करते रहते हैं, लेकिन मेरे इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी, मैं जाना चाहता था पास्ट में। हम हर वक्त प्रेजेंट 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 की बातें और फ्यूचर में इसका क्या हो रहा है वो सारी करते रहते हैं, लेकिन हम बहुत दफा जो चीज एग्जैक्टली जो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी एग्जामिनर की हैसियत से, वो ये थी कि इसकी कॉजेज भी हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन हम कभी इस चीज को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि हम प्लानिंग के वक्त हमारे पास ये चीजें क्यों शामिल नहीं थी पास्ट में। ये मेरा मेन पॉइंट है। और उसके बाद ये हुआ कि पास्ट में तो हमारे पास ये प्लानिंग कहते हैं कि हम उस वक्त नहीं थी, ओके, क्या अब है? नाउ दिस इज द मेन पॉइंट व्हिच दिस डिस्कशन बेसिकली वांट्स टू फोकस ऑन, एम्फसाइज ऑन। ये था मेरे पास एक तरीका इस बहुत बड़ी जो है वो चीज जिसको हम जिसकी तरफ से हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि ना हमारे मेंटल एटीट्यूड अब भी वही है। Have we learned anything during the last 200 years? We have not. It seems that humanity has not. Right? So, we will move on to the next. Thank you very much, SOR. Or, jo hai iske upar, you can discuss in the chat with your the fellow attendees also. आप लोग प्लीज जरा चैट को एवरीवन में रखें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट पे करेंगे तो उसको फिर शायद सवाल नहीं देख सकेगा या आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकेगा। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रेजेंटर एंड दैट इज गोइंग टू बी मरियम जावेद, एंड नेक्स्ट इट विल बी मरियम जावेद। मरियम, इट्स ओवर टू यू नाउ, मरियम जावेद। Okay, so today I'm going to present an outline on the topic Men Forgot to Plan for Environment While Planning for Future. I'm going to first state my thesis statement. A man makes plans to gain autonomy over their lives, and they plan every aspect of their lives in advance. The only constant thing that man ignored and forgot to plan was environment and the dire consequences it could cause over their lives, especially in future. Although man has been ignorant about environment planning in past, they have planned significant steps to be taken by the world to contain climate change. Okay. Okay, it's over to you, Mariam. Bismillah. Okay, now we are going to discuss origin of man's ignorance towards environment planning. इसमें हम discuss करेंगे कि basically environment की जो planning है उसे कब से ignore किया गया, कब से हमारे जो impacts हैं वो एनवायरनमेंट पे आने लग गए थे लेकिन हम लोगों ने उसे इग्नोर किया। नॉर्मली पीपल बिलीव दैट इट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर 1850, बट रिसेंटली एक रिसर्च आई है जिसमें क्लेम किया गया है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी था वहां से ही उसके इफेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर किए गए थे टू नो हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो है वो जब कलेक्ट होती है एटमोसफेयर में तो वो क्या करती है, लेकिन बेसिकली उसमें भी क्यूरियोसिटी थी, कंसर्न नहीं था, इट वॉज नॉट अ क्लाइमेट कंसर्न विच वॉज बींग एड्रेस्ड। थर्डली हमारे पास एक नेचर की एक 2016 की स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी जिसने क्लाइमेट को चेंज किया इट बिगेन इन 1830, एज अर्ली एज 1830। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1830 टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉज्ड एनवायरनमेंट टू चेंज, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कौन से ऐसी एक्टिविटीज थी, कौन सी ऐसी एडवांसमेंट्स थी जिनके डायर कॉन्सिक्वेंसेस आज एनवायरनमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो सबसे पहले जिस चीज ने एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया डेट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1700 के मिड से स्टार्ट हो चुकी थी,
उसके बाद व्हाई इट स्टार्टेड अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज इट वाज यूजिंग बर्निंग कोल इन इंडस्ट्रीज, जो कि बेसिकली क्या कर रही थी, पंप कर रही थी एटमॉस्फेयर में, पोल्यूशन को पंप कर रही थी. हम लंदन में नोट किया गया इन 1760 to 1830 दैट सस्पेंडेड पर्टिकुलेट जो है वो ड्रामेटिकली राइज कर रहा है. देन अगेन एयर पोल्यूशन से डेथ रेट्स इंक्रीज हुई 1800s में. उसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस स्टार्ट हुई, लेकिन इट वाज ऑल इट ऑल वेंट अननोटिस्ड. देन सेकेंडली हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे वो स्टार्ट हुए. बिफोर 20th century ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इट डिड नॉट हैव दैट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट बिकॉज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल वॉज वेरी लो. 20th century के मिड में जैसे ट्रांसपोर्ट मोड इंक्रीज हुए, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इसका रिजल्ट इंक्रीज होने लग गया. अकॉर्डिंग टू टूडेज रिसर्च, अकॉर्डिंग टू IEA, 24% ऑफ डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही हैं, जो कि बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हो रही हैं. थर्डली हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है. जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एकदम से आया इन स्टार्ट ऑफ 19th century, इट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप. जब बहुत सारी इंक्रीज आया क्रॉप्स में, तो हमारे पास उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो विद इन अ सेंचुरी, विद इन ओवर अ स्पैन ऑफ 1 century क्वाड्रपल, 4 times इंक्रीज हो गई. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ड्यू टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे पास जो एरेबल लैंड थी उसको भी इंक्रीज करना पड़ा, बिकॉज दे नीडेड मोर लैंड, जिसकी वजह से हमारे पास इकोसिस्टम भी इफेक्ट हुआ. उसके बाद हम एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसने किस तरह डिस्ट्रॉय किया इकोसिस्टम को, उसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक ये कि हमारे पास बिकॉज एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हो रही थी, हमें ज्यादा लिवेबल लैंड्स चाहिए थी, उन्हें क्रिएट किया गया. वो किस तरह से क्रिएट किया गया, डिफॉरेस्ट किया गया, और डिफॉरेस्ट जब किया गया तो कम्प्लीटली इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेशीज हमें आज नजर भी नहीं आती हैं. उसके बाद हमारे पास बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि डेडिकेट थी उन्हें फीड करने के लिए वो भी इंक्रीज हुई. 2016 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फिगर्स मोर देन 700 million एकर्स जो हैं वो जस्ट कॉर्न, वीट, राइस और इस तरह के स्टेबल ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए यूज हो जाते हैं. तो वेयर वुड बी लैंड जहाँ पे एक इकोसिस्टम, हेल्थी इकोसिस्टम को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, या जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करेगी वो लैंड हमारे पास है ही नहीं है. मोर एंड मोर लैंड इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर. उसके बाद हमारे पास वो ऐसे मेजर इवेंट्स या मेजर वार्निंग्स या मेजर इंडिकेशंस जो कि पास्ट में हुई और हम लोगों ने इग्नोर किया, जिसकी वजह से आज हम लोग जिस एनवायरमेंट कंडीशन में है, द रीजंस, उसमें हमारे पास सबसे पहले 20th century के स्टार्ट में एक सडन चेंज इन क्लाइमेट्स आया. इंडियन मॉनसून्स फेल हो गई, डस्ट बाउल ड्रॉट्स हुए, एक्सट्रीम हीट वेव्स आई अमेरिका में. वर्ल्ड वॉर टू का जो पीरियड था उसमें एक ड्रॉट आया ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन ड्रॉट्स आए, हीट वेव्स आई. ये सारी चीजें फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में हमारे पास आई, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई. सेकेंडली हमारे पास जो एक इंडिकेशन थी वो जापान की 4 पोल्यूशन डिजीजेस थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टाइटाई डिजीज आई, जो कि बेसिकली एक स्किन और बोन डिजीज थी. इससे बहुत सारी डेथ्स हुई. फिर हमारे पास मिनामाटा डिजीज आई, जिससे पैरालिसिस और डेथ तक इसके चांसेस हुए. एंड देन लास्टली वी हैड एस्थमा, जिससे भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर्ड, लेकिन स्टिल वी डिड नॉट गिव अटेंशन टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द इंडस्ट्रीज विच वर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर. हम लोगों ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया. देन हमारे पास 1970s में हमारे पास इटली का सिवेसो डाइऑक्सिन क्लाउड है, जिसकी वजह से एटलीस्ट 2000 पीपल वॉज सिकंड एंड 80,000 एनिमल्स जो हैं उन्हें स्लॉटर किया गया.
ताकि जो हमारा जो पॉइजन था उस डायऑक्सिन क्लाउड से, ताकि वो हमारी फूड चेन में एंटर ना हो सके, उसकी वजह से हमें बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे एनिमल्स को स्लॉटर करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे पास आउटब्रेक ऑफ मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग है। इसमें हमारे पास जो फिश ईटिंग कम्युनिटी थी 1950s में, उसमें एकदम से मेजर आउटब्रेक हुआ मिनामाटा बे के करीब, और बहुत सारी डेथ्स जो हैं उन्हें इनकाउंटर किया गया। एंड स्टिल वी डिड नॉट लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड वी केप्ट गोइंग एंड वी केप्ट इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट इशू दैट वाज राइजिंग फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। उससे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लान्स जो कि बनाए गए थे लेकिन उन्हें फॉलो अप नहीं किया गया, उन्हें मटीरियलाइज नहीं किया गया। तो सबसे पहले अमेरिका ने नेपा बनाई 1970 में। उसमें उन्होंने कहा कि आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके एक्शंस को असेस करेंगे। लेकिन आप अगर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट को भी देख लें तो तब तक भी यूएस की जो इंडस्ट्रीज थी वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी अंडर कंसिडरेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप की रेजीम के अंदर उन्होंने नहीं किया, उसे कंसीडर भी नहीं किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास कॉप 1995 में आई, तब भी बहुत सारे प्लान्स बनाए गए एक्टिविटीज। फर्स्ट कॉप में हम लोगों ने प्लान किया कि हम इंटरनेशनल क्लाइमेट को जो है वो चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है उससे कोप करने के लिए हम कोई एक्शंस प्लान करेंगे, लेकिन उसका भी कोई मटीरियलिस्टिक एक्शन नहीं देखा गया। कॉप 21 में एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्शंस लिए गए कि हम लोग किस तरह से कार्बन एमिशंस को बाय 2020 कम करेंगे, लेकिन उसमें एक क्लाइमेट पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, जिसकी वजह से हमारे 5 years कम्प्लीटली वेस्ट हुए। वी वेंट टू कॉप 26, वी रिवाइज्ड द सेम एग्रीमेंट और हम लोगों ने वो भी 5 years को कम्प्लीटली हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। कैन यू गो डाउन? यस, आगे हम डिस्कस करते हैं वे फॉरवर्ड्स। वी डू नॉट नीड प्लान्स राइट नाउ, वी डू नॉट नीड एडवाइजरी प्लान्स फ्रॉम UN और COP और NEPA और anyone. वी नीड एग्रीमेंट्स विच आर बाइंडिंग, विच विल बाइंड ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द मेजर एमिटर्स, ऑल द मेजर एमिटर कंट्रीज टू कीप देयर कार्बन एमिशंस लो। We do not need an advisory plans anymore. We need a make point P. We need to make a legal body which will hold the world accountable for environment. That can be UN. That can be any other organization which can hold the all the world, whole globe, accountable for the environment crimes. There is another word which is being used as environment crime. We need to make policies, we need to make take actions about environment crimes. Then thirdly, developed countries need to assist developing countries so that they can transfer to clean and green energy. Another problem which was encountered from COP 21 to 26 was that developing countries did not want to change because they were developing and all their economy and all their industry depended on on carbon emitting industries. So developed countries should take the charge and they should assist and they should provide financial assistance also to ease the transition. And then I'll conclude. So basically my focus here was I wanted to see what happened in the past, which initiated the environment problems, and over the timeline from 18th century to till now, what were the major indications and what were the major points where we could learn that there is something changing or there is something disastrous happening which needs to change. Over to excellent yourself. Excellent work, Mariam Javed, excellent work. Wonderful outline, and especially I like the compact style in which you have presented it. Very, very professional, very good. And I must say that this must be an example for the other presenters as well, how to present their work. You have very comprehensively covered most of the areas, and the most important thing was forget the main focus of this type topic is man forgot to plan. So here we see that this main focus is very much focused, of course,
And everywhere we are seeing that man forgot, or not only forgot, but here in this outline we are looking at another aspect, and that is ignored. Because not ignorance, but man ignored. In the second part of your outline, this is man forgot, agriculture, everything, and destroyed a population. But here we have the major environment and indication which were ignored. And not only ignored, but when they did have some sort of agreements on that, they were not followed up. So it's all showing how man has, first of all, not been planning, and then overlooking, and then simply not following up. How can mankind be not held responsible for such a folly? Thank you very much, Maryam Javed. That was a very good outline. Thank you. Okay. Thank you, sir. Over to the next presenter now. So it's over to Humaira Qazi now. Bismillah. Assalamu alaikum, class. Today the outline topic was man forgot to plan for environment while planning for future. इस टॉपिक में बेसिकली पहले भी जैसे सर ने डिस्कस किया कि इसमें हमने ये डिस्कस करना था कि पास्ट के अंदर इंसान ने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं जिसकी वजह से उसके जो इम्पैक्ट आया है हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट के ऊपर और आइंदा आने वाले वक्त में भी इम्पैक्ट आता रहेगा. लेकिन हम जैसे मरियम ने बोला है एक और डायमेंशन बताई है कि हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. यूनाइटेड नेशन के जो साइंटिस्ट हैं एक जैक ओ कॉनर, उन्होंने बोला है कि आवर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब हम जो भी एक्शन करेंगे उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हम सब के ऊपर आएगा, किसी एक सिंगल बंदे के ऊपर नहीं आएगा. सर थोड़ा सा नीचे कर दें काइंडली. 21st सेंचुरीज के अंदर जिस तरह हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटली ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 1800 के अंदर 1 बिलियन था, लेकिन 1926 तक वो डबल हो गया. इट हैज ग्रोन अप टू 6 बिलियन. तो जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई तो उसकी वजह से हमें अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना पड़ी डेवलपमेंट्स के लिए, हमें एग्रीकल्चर को एनहेंस करना पड़ा ताकि हम फूड नीड्स को मीट कर सकें. इसी तरह हमें वाटर बॉडीज जो है उनको, जब अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज या पानी की जो हमें जरूरत थी उसको भी पूरा करने के लिए हमने वाटर रिसोर्सेज को बड़ी बुरे तरीके से यूज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है इस वक्त काफी ज्यादा, पाकिस्तान नहीं और बहुत सारे कंट्रीज को भी पानी की स्कार्सिटी का सामना है. नंबर 3, हाउ पुअर प्लानिंग रिजल्टेड इन द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट्स एंड रिस्क्स ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया तो उसने 4.4 स्क्वायर माइल्स के ऊपर जो है डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया, और उस डिस्ट्रक्शन के नतीजे उसके अंदर इतना ज्यादा एटॉमिक जो एटॉमिक एक्सप्लोसिव मटेरियल था 20,000 टन ऑफ डायनामाइट व्हिच इज वेरी एक्सप्लोसिव. तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई. एक तो मतलब के इंसानों की जान चली गई, और दूसरा ये कि उस लैंड के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया कि अभी भी वहां पे जो भी मतलब बर्थ की कैजुअलिटीज हैं बहुत सारी, और वहां पे उस जो वो लैंड है वो एग्रीकल्चरली अनफिट हो चुकी है. इसी तरह इकोलॉजिकल डिजास्टर्स जो है उन्होंने हैवक क्रिएट कर दिया. ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हुई कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा CO2 जो है उसको हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया. मतलब CO2 की जो अमाउंट है वो हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना शुरू हो गई. 1950 के अंदर इट वाज अराउंड 300 पार्ट्स पर मिलियन, करंटली जो है ये 400 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगी आइंदा जो है ये 400,000 ईयर्स, सॉरी इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है 400,000 ईयर्स का, और ये इसी तरह अगर बढ़ती रही तो इससे हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हमारा सर्वाइवल जो है वो फ्यूचर के अंदर भी मुश्किल हो जाएगा. सर थोड़ा सा नीचे. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्टिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज्यादा कंजम्पशन हुई फॉसिल फ्यूल्स की, और बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गई स्पीशीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो गई. जैसे शहसवार ने एक एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो नेशनल एनिमल है मारखोर वो एक्सटेंट हो गया, इसी तरह हमारा एक और वो पोलर बियर वो भी एक्सटेंट हो गया. तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में भी अगर इसी तरह सिचुएशन जारी रहेगी
तो फिर एक टाइम आएगा 2050 के अंदर कि हम जो है हाफ ऑफ द स्पीशीज जो इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद हैं वो सब एक्सटेंट हो चुकी होंगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने हेल्थ डिजास्टर क्रिएट किया. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पुअर आउटडोर एयर, मतलब के एयर पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी वजह से बहुत 90% थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर प्री मेच्योर डेथ्स हुई. और इंडोर स्मोक जो हम घर के अंदर गैस, सुई गैस वगैरह या और जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से इंडोर स्मोक इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ कि उसकी वजह से 3 बिलियन लोगों की हेल्थ के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट आया. इंफ्रास्ट्रक्चर वेंट रॉन्ग फॉर नेचर एंड पीपल. किस तरह से मैन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर रोड्स बनाई, रेलवे लाइंस बनाई, तो उनकी वजह से किस तरह एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आया. ब्राजीलियन अमेजोन जो है 95% ऑफ डिफोरेस्टेशन टेक प्लेस विद इन 3.5 miles ऑफ रोड और अ नेविगेबल रिवर. और उसकी वजह से अभी रिसेंट इम्पैक्ट ये आया है कि इस समर के अंदर यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ड्राफ्ट आए हैं जिसकी वजह यही है कि उन्होंने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की है पास्ट के अंदर. डेटोरेशन काजिंग डिस्ट्रक्शन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज. ओवर ग्रेज लैंड, बहुत ज्यादा हम लोगों ने ओवर ग्रेजिंग हो गई. कोस्टल लैंड एंड स्ट्रिप्ट हार्डलैंड प्रिटेंशियस स्पेसिफिकली 26.5% ऑफ कोस्ट लाइन इज डिस्पोज टू कोरोजन इन इंडिया. इंडिया के अंदर 26.5% जो लैंड है वो करोड हो चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल बंजर बैरन लैंड बन चुकी है. उसके ऊपर हम कुछ भी कोई चीज नहीं काश्त कर सकते, उसको किसी यूजफुल वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते. इस तरह श्रीलंका की एग्जांपल है. श्रीलंका के अंदर भी सब्सटेंशियल इरोजन हुई है, वेयर एज माउंटेन स्टेट इज susceptible to recurrent landslides. Landsliding हो जाती है जिसकी वजह से क्लाइमेट के इम्पैक्ट, मतलब जो भी इसका बेसिकली इसका भी इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन इस तरह से है कि जब लैंड स्लाइडिंग होती है वो भी अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लैंड स्लाइडिंग होती हैं. तो उसकी वजह से जो सॉइल है, जब माउंटेन्स जो है वो पिघल कर जमीन के ऊपर आ जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से भी अर्थ जो है वो उसको इरोजन का इम्पैक्ट आता है. फ्लॉड डेवलपमेंट मॉडल मेड अवर लाइव्स इनसिक्योर. किस तरह से हमने सिटीज को या और चीजों को मैसिवली हमने डेवलपमेंट्स तो कर ली, लेकिन उसके नतीजे में हमारी लाइफ जो है वो इनसिक्योर हो गई. जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल है कि जैकबाबाद जो है वो हॉटेस्ट सिटी बनता जा रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर उसका जो है 50 degrees Celsius रिकॉर्ड किया गया है. लड़काना द सिटी दैट इज समटाइम रेफर्ड टू एज द सिटी ऑफ गार्डन्स. लड़काना को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, लेकिन इस वक्त वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है और इतने ज्यादा डिफोरेस्ट करके ट्रीज को इतना ज्यादा कट किया गया है कि वहां पे बिल्कुल जो है मैन का सर्वाइवल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है. अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. किस तरह से हमने अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की. करंटली 60% ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज अपॉन विच वी रिलाय आर डिग्रेडेड. इस वक्त हम जिस टाइम में रह रहे हैं अभी तक हम 60% जो है जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको एक्सप्लॉइट ऑलरेडी कर चुके हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, इंक्रीजिंग वाटर एंड एयर पोल्यूशन, लैंड एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. वाटर और एयर पोल्यूशन की एग्जाम्पल है. अभी रिसेंटली मैंने एक आई हैव सर्च अबाउट ग्रेट पैसिफिक डेब्रिस, जिसमें बहुत ज्यादा जो है प्लास्टिक की एक मैसिव अमाउंट जो उसको साफ किया गया है, और वो इतनी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है कि वो बिल्कुल पूरे पैसिफिक को डैमेज करने के उसके ऊपर है. How buying stuff drove climate change. A new UN report found that richest one of the present of global population emit more than twice the amount of the poorest 50%. यानी कि एक गरीब बंदा अगर 50% कर रहा है तो जो अमीर या वेल्दियर पर्सन है वो 100% जो है वो ग्लोबल एमिशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन की और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की. तो उसकी वजह से इन 2009 यूएस कंज्यूमर विद मोर देन $100,000 इन ईयरली हाउस होल्ड इनकम मेड अप 22.3% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 1/3 ऑल यूएस हाउस होल्ड टोटल एमिशन. यानी कि ये इतनी छोटी सी अमाउंट है और इसने 22.3% जो है वो एमिशन क्रिएट किए. ह्यूमन एक्टिविटी द कॉमन लिंक बिटवीन डिजास्टर अराउंड द वर्ल्ड. अब इंसानों की एक्टिविटीज और डिजास्टर्स का क्या लिंक है? अभी हमने 2020 और 21 के अंदर हमने देखा कि कोविड का पेंडेमिक आ गया, ठीक है, इसी तरह कोल्ड वेव आई यूएस के अंदर, वाइल्ड फायर्स हुई बहुत ज्यादा एक्सेसिव, 5 मिलियन एकर्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट
वो जो रेन अमेज़न का जंगल था उसमें भी वाइल्ड फायर्स क्रिएट हुई सिर्फ एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन की वजह से. इसी तरह वियतनाम के अंदर जो है वो हमने हैवी स्टॉर्म देखे, 7 वीक्स के अंदर ऑलमोस्ट 9 हैवी स्टॉर्म्स देखे गए. वे फॉरवर्ड टू सेव द फ्यूचर सेविंग द एनवायरनमेंट. अब हम किस तरह से अपना एनवायरनमेंट जो है उसको सेफ तरीके से लेकर चलें और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट्स करें उसको कंसीडर करते हुए. अडॉप्टिंग सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स. उसके लिए सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल गोल्स दिए हैं उनको हम मीट करने की कोशिश करें. और उसके अंदर हम क्या करें कि अगर हम वर्ल्ड वाइड स्विच करें एफिशिएंट लाइट बल्ब्स को तो हम उसको सेव कर सकते हैं 120 बिलियन US डॉलर एनुअली. इसी तरह हम अगर ये करें कि एन एस्टिमेटेड 1/3 ऑफ ऑल फूड प्रोडक्शन तो उसको भी हम कम कर सकते हैं. इसी तरह डायरेक्ट एयर कैप्चर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अब कार्बन रिमूव करने का एक ही तरीका है कि हम ये एक टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एयर कैप्चर के नाम से. इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो है वो क्या करता है कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम एम्बियंट एयर एंड जनरेटिंग अ कंसंट्रेटेड स्ट्रीम ऑफ CO2 फॉर सिक्वेस्ट्रेशन और यूटिलाइजेशन. यानी कि ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो जनरेट करेगा. तो हमें इसके को अडॉप्ट करने की जरूरत है. उसके बाद हम बेटर इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसी इन सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर. अब हम क्या करेंगे हम सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में हम ऐसी इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन करें कंजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आए जिस तरह अभी यूरोप ने किया लीगल फ्रेमवर्क एक बनाया उसमें उन्होंने बताया कि हम इस तरह से वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज पास के तहत हम नेचर को 2000 नेटवर्क्स के तहत प्रिजर्व करेंगे. करंटली कवरिंग 18.5% ऑफ यूरोपियन लैंड एरिया जिससे उन्होंने अभी तक 18.5% लैंड एरिया जो है वो उसको प्रिजर्व कर चुके हैं उसको रिकवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 10% ऑफ टोटल यूरोप मरीन एरिया को भी वो कवर कर चुके हैं. चूज रीयूजेबल और सिंगल यूज और रीयूजेबल चीजें इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप डिस्पोजेबल की तरफ जाएं आप उसको डिस्पोज ऑफ करें एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए. अप्रोक्सीमेटली 700 स्पीशीज इवन एंडेंजर्ड स्पीशीज हैव बीन अफेक्टेड बाय प्लास्टिक. अभी मैंने एग्जांपल दी कि वो जो पैसिफिक के अंदर प्लास्टिक डेब्रिस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मरीन लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है. यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हीकल्स. और दूसरी बात यह कि हम फॉसिल फ्यूल या हाइड्रोकार्बन बेस्ड व्हीकल्स को अगर छोड़कर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की तरफ जाएंगे तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट काफी प्रोटेक्ट हो सकता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्ट 77% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ग्रिड टू पावर एट द व्हील्स. बट जो कन्वेंशनल जो है वो क्या करते हैं वो सिर्फ 12-30% जो है एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. तो हमें चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ आए ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रह सके और हमारी डेवलपमेंट भी स्ट्रांग हो. देन इज द कंक्लूजन. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू हमारा काजी फॉर योर आउटलाइन. काफी एक्सटेंसिव रिसर्च जो है यहाँ पे नजर आ रही है और बड़े अच्छे तरीके से तुमने प्रेजेंट भी उसको किया है. वही प्रॉब्लम वही कि ना सिर्फ ये कि फॉरगेटिंग तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं था जितना हम देख रहे हैं कि फॉरगेटिंग तो चलें फिर बंदा सीख लेता है कि जब कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं तो उसे इंसान सीखता है. लेकिन यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है वो तो हमें नज़र आ रही है कि इग्नोर करना शायद उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम था बनिस्बत फॉरगेटिंग के. और फिर ये कि फॉरगेट के बाद इग्नोर करना और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली इग्नोर करते रहना और फिर कंप्लाई ना करना उन चीज़ों के ऊपर. जी स्टिल यही प्रैक्टिसेस जारी है. मतलब हम लोग उस चीज़ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे. हम जैसे अभी अमेरिका की एग्जांपल है कि उन्होंने जो क्योटो प्रोटोकॉल है उससे विदड्रॉ कर लिया हालांकि सबसे ज्यादा एमिशंस वो कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. फिर भी वो नहीं चाहते कि हम एमिशंस को कम करें और उसका अल्टीमेटली डिजास्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं. जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट फ्लडिंग हुई है. और इससे ये नजर आ रहा है ना कि प्रोबेबली नॉट ओनली फॉरगॉट टू प्लान लेकिन शायद स्टिल फॉरगेटिंग टू प्लान. और इसके मैं इस इसके बाद जो है इस पार्ट की लास्ट जो चीज मैं बात करना चाहूंगा ये पार्ट वन यहाँ पे खत्म करेंगे 3 आउटलाइंस के बाद. बहुत अच्छी आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी है. प्रोबेबली इंसान ने अभी तक इससे सीखा कुछ नहीं है
और मैं इसको इग्नोरेंस नहीं कहूंगा, इसलिए कि इग्नोरेंस वो होती है कि जो आपको पता नहीं, और अब गालबन हर तरफ जो है वो शोर मचाया जा चुका है, और स्पेशली पढ़े लिखे लोगों के दरमियान, किसको आजकल ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का नहीं पता। एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा, इस्लामाबाद में यहाँ पे अक्सर औकात में खास तौर पे जो सिग्नल्स हैं उनके करीब जो ग्रीन एरियाज है मैं देखता हूँ, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैश फेंका गया होता है। जब गाड़ी इशारे पे रुकती है किसी के भी साइड पे वो ग्रीन पैच है, तो गाड़ी में से जैसे किसी ने कहा कि जी गाड़ी को तो हम मस्जिद की तरह साफ रखते हैं ना, तो कार को तो साफ रखा जाएगा, और उसका सारा कूड़ा निकाल के बाहर फेंका होता है, प्लास्टिक की बोतलें, कैन फेंक, सारा कुछ, यूं जैसे बाहर जो है वो कूड़ेदान है और गाड़ी हमारी जो है वो सेफ है, बेरस गाड़ी जो है वो खत्म हो जानी है और बाहर वो चीज जो है उसने हमेशा रहना है। सो वी आर नॉट ओनली फॉरगॉट, वी आर स्टिल फॉरगेटिंग, वी आर ओवरलुकिंग, वी आर इग्नोरिंग। मैन इज प्रोबेबली प्रूविंग टू बी एन एनिमल रादर देन बीइंग एन एजुकेटेड स्पीशीज, एंड अपना तो नुकसान हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने एक सिंगल स्पीशीज ने गालबन सारे प्लैनेट की स्पीशीज को एंडेंजर कर दिया है, पूरे प्लैनेट को मुसीबत डाल के रखती है, और नेचर की हर चीज को, फ्लोरा फौना एवरीथिंग को जो है वो अकेली एक स्पीशीज, जब दुनिया में लाखों करोड़ों स्पीशीज जबकि दुनिया के अंदर जो है वो रहती हैं, लेकिन ये एक स्पीशीज जो है सबका हैबिटेट जो है उसको तबाह कर रही है। डज अ सिंगल स्पीशी हैव दिस राइट एंड हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू डूइंग इट? नेचर इज अल्टीमेटली टेकिंग एवरीथिंग बैक। जैसे बात हुई, उसने मेंशन किया कि 2030-40 तक मुंबई, बैंकॉक और उसके बाद जकार्ता और उसके बाद कराची और इसी तरह से दूसरे कोस्टल एरियाज, हाउ लॉन्ग? जो ये वाले एरियाज हैं जो लैंड वाले हैं उनके ऊपर जो है वो ज्यादा हीट खत्म कर रही इंसानों को, वाटर स्कार्सिटी है, और उसके बाद ये के, तो क्या नेचर इस स्पीशीज से अपने प्लैनेट को वापस नहीं लेगी? दे आर इंटेलिजेंट टू, सो समथिंग इज गोइंग ऑन ऑलरेडी। अगर आप वॉर से देखें तो नेचर इज ऑलरेडी डूइंग थिंग्स। हम समझते हैं कि ये कॉन्शियस नहीं है, नहीं, नेचर इज कॉन्शियस। एक बड़ी ताकत भी, उससे सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला जो है वो भी मौजूद है, कि जो अगर यही सब कुछ करते रहोगे तो फिर मिट जाओगे। और हम अब, हमारे सामने जो है वो ये चॉइस मौजूद है कि क्या हमने रहना है या कि इसी तरीके से, और हम ये हमेशा बच्चों के लिए, हम वैसे तो सारा कुछ करने को तैयार होते हैं, ये मेरा लास्ट नोट है आज इस मीटिंग का, कि बच्चों के लिए वैसे तो हम सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, एक्सेप्ट गिविंग देम अ गुड फ्यूचर, एक्सेप्ट गिविंग देम अ गुड एनवायरनमेंट इन फ्यूचर। हमने ये कभी नहीं सोचा वो कौन सी हवा है जिसके अंदर ये सांस लेंगे, ये हमारे ये सारे बंगले कोठियां दौलत और ये हमारी जो सारी एजुकेशन जो हम इनको दे रहे हैं और सब कुछ जो कुछ ये हमसे इनहेरिट करेंगे, इस सब के लिए सांस कहां से लेंगे? इस पोल्यूटेड एयर से जो हम छोड़ के जा रहे हैं, हमने तो मर जाना है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? वी आर हार्डली अवेयर ऑफ दैट। हम समझ रहे हैं कि ये शायद मटीरियल चीजें ही इनको बचाएंगी, दे आर नॉट गोइंग टू। आई एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग हियर, बाकी आउटलाइंस हमारे पास तीन अभी और हैं, वी विल बी प्रेजेंटिंग देम इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर